हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से डील करेंगे। सेक्शन 8 बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज से डील करता है। सेक्शन 8 हिंदू विवाह के पंजीकरण की बात करता है। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने सेक्शन 5 को कवर किया जो कि डील करता है कंडीशंस ऑफ अ हिंदू मैरिज। सेक्शन 6 रिपील हो चुका है और सेक्शन 7 डील करता है सेरेमनीज ऑफ अ हिंदू मैरिज। तो इन दोनों ही सेक्शंस को हमने डिटेल में कवर किया है, आप चाहो तो जा करके देख सकते हो। इस वीडियो में हम केवल सेक्शन 8 से डील करेंगे और इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो सेक्शन 8, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको इस टॉपिक के ऊपर दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। सेक्शन 8 बेसिकली बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। हम नए टॉपिक्स को पढ़ने के साथ साथ जो पुराने टॉपिक्स हैं उन्हें भी रिवीजन करते हुए चलेंगे। जैसे सेक्शन 5 डील करता है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज से। सेक्शन 6 रिपील हो चुका है जो कि बात करता था गार्जियनशिप इन हिंदू मैरिज। 7 सेरेमनीज और 8 रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिजेस द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स प्रोवाइडिंग दैट द पार्टीज टू एनी सच मैरिज मे हैव पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू देयर marriages entered in such manner and subject to such conditions as may be prescribed in a Hindu marriage register kept for the purpose. तो सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? कह रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज। तो बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज है, जो हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन है, वो एक प्रूफ की तरह है। स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स प्रोवाइडिंग दैट द पार्टीज टू एनी सच मैरिज। अब हिंदू मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन के लिए जो रूल बनाने का पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। Providing that the parties to any such marriage, यानी हिंदू मैरिज में जो पार्टीज हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, मे हैव पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू देयर मैरिजेस एंटर्ड इन सच मैनर। तो जिस भी प्रिस्क्राइब फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगा, उस पर्टिकुलर फॉर्म में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें हस्बैंड वाइफ को एंटर करना होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और हिंदू मैरिज रजिस्टर में उन्हें एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंटर करना होगा और हिंदू मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी रूल्स होंगे वो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। और रजिस्ट्रेशन बेसिकली एक प्रूफ है कि दो पार्टीज़ के बीच विवाह संपन्न हुआ है और वो भी हिंदू रिचुअल्स के अनुसार, राइट? दूसरा क्या कहता है सेक्शन 8 सबसेक्शन 2? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड
इन सब सेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट मे इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट शो टू डू प्रोवाइड दैट एंटरिंग ऑफ पर्टिकुलर्स रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 शैल बी कंपल्सरी इन द स्टेट. तो कह रहे हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है. अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये ज़रूरी है, हिंदू मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन आज के समय में ज़रूरी है, तो उसके रिगार्ड में स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकता है और ये डिक्लेयर कर सकता है कि नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस इज नेसेसरी, इज कंपल्सरी. शैल बी कंपल्सरी इन द स्टेट और इन एनी पार्ट देयर ऑफ, या स्टेट के किसी पार्ट में हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. अगर आप स्टेट के इस पार्ट से आते हो तो वहाँ पे या तो स्टेट गवर्नमेंट पूरे स्टेट के लिए कंपल्सरी कर सकता है या स्टेट के किसी पार्ट के लिए. वेदर इन ऑल केसेस और इन सच केसेस एज मे बी स्पेसिफाइड एंड वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन इशूड एनी पर्सन कॉन्ट्रावेनिंग एनी रूल मेड इन दिस बिहाफ शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 25 rupees. क्या कहता है? तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सभी पर्पजेस के लिए हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सकता है या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हिंदू मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर सकता है. तो इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट कि वो हिंदू मैरिज के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी करे या तो पूरे स्टेट के लिए या स्टेट के किसी एक पार्ट के लिए, या तो सभी पर्पजेस के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, राइट. और अगर कोई पर्सन इस रूल को वोलेट करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा एंड ही और शी, या हम कह सकते हैं पार्टीज टू द मैरिज, शैल बी पनिश्ड विथ फाइन अप टू ₹25. ठीक है, फाइन थोड़ा ज़्यादा है. ठीक है, तीसरा क्या कहते हैं? All rules made under this section shall be laid before state legislature as soon as may be after they are made. तो हिंदू मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन को लेकर के जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी उसके तुरंत बाद स्टेट लेजिस्लेचर में उन्हें पास कराना होगा, प्रेजेंट करना होगा उन रूल्स को, उन बिल्स को. ठीक है, द हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल एट ऑल रीजनेबल टाइम बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन. तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में गए, आपने रजिस्ट्रेशन कराया और जो भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी उन्हें आपने हिंदू मैरिज रजिस्टर में एंटर कर दिया. नाउ ये जो हिंदू मैरिज रजिस्टर है इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और इंस्पेक्शन के लिए हर टाइम अवेलेबल होगा, लेकिन केवल और केवल रीज़नेबल टाइम पर. रीज़नेबल टाइम का मतलब है जो ऑफिस का समय होगा उसी बीच. ठीक है, एंड शैल बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स देयर इन कंटेंड एंड सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट्स देयर फ्रॉम शैल ऑन एप्लीकेशन बी गिवन बाय रजिस्ट्रार ऑन पेमेंट टू हिम ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस. तो रजिस्ट्रार ऑफिसर को आप एक रीज़नेबल फीस पे करके हिंदू मैरिज रजिस्टर को इंस्पेक्ट करा सकते हो, राइट. और ये जो
रिकॉर्ड है, इट इज बेसिकली एन एविडेंस, इट इज कंक्लूसिव प्रूफ दैट मैरिज बिटवीन दिस एंड दिस पर्सन टुक प्लेस एंड रजिस्ट्रेशन हैज बीन डन ऑन दिस एंड दैट डेट. तो इट इज व्हाट, दिस इज एन एविडेंस रिगार्डिंग मैरिज बिटवीन टू पार्टीज. सेक्शन 8 सब सेक्शन 5 क्या कहता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन द वैलिडिटी ऑफ एनी हिंदू मैरिज शैल इन नो वे बी अफेक्टेड बाय द ओमिशन टू मेक द एंट्री. तो सिंपल, अब कोई पार्टी जिसने अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या रजिस्ट्रेशन कराना भूल गया है, तो ये उनके मैरिजेस को इनवैलिडेट नहीं करेगा. इस पर्टिकुलर सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो उनके मैरिज को इनवैलिडेट नहीं करेंगे. अब हमारे पास एक लैंडमार्क केस है, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार. सुप्रीम कोर्ट इन सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार डिक्लेयर्ड दैट मैरिजेस ऑफ ऑल पर्सन्स हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन शुड बी रजिस्टर्ड कंपल्सरिली इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स वेयर द मैरिज इज सोलेमनाइज्ड. तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, ये UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक फुट स्टेप है, एक कदम है. इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो और अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म के अनुसार विवाह हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन इज मस्ट राइट. जिस भी स्टेट में आपका मैरिज हुआ है उस स्टेट में उस जगह के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के आपको अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है. एंड दिस रूल इज एप्लीकेबल इज यूनिफॉर्म ऑन ऑल पर्सन्स बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन. तो ये केस आप याद रखो. एक और केस है हमारे पास, विनया नायर एंड अनदर वर्सेस कॉरपोरेशन ऑफ कोची. विनया नायर एंड अनदर वर्सेस कॉरपोरेशन ऑफ कोची. इसमें कहा गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कैनॉट बी डिनाइड मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट वन ऑफ द स्पाउस डज नॉट होल्ड इंडियन डोमिसाइल. इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि रजिस्ट्रेशन को आप केवल इस ग्राउंड पर डिनाई नहीं कर सकते हो कि पति या पत्नी में से कोई एक इंडियन डोमिसाइल का नहीं था. वन ऑफ द स्पाउस डज नॉट होल्ड इंडियन डोमिसाइल, दो बोथ आर हिंदू, अगर दोनों हिंदू हैं तो किसी एक का इंडियन डोमिसाइल में होना या ना होना ये कोई ग्राउंड नहीं है मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं करने के लिए. तो अगर दोनों पर्सन्स, दोनों स्पाउस हिंदू हैं और भले ही वो इंडियन डोमिसाइल के नहीं हैं, फिर भी उनका मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा राइट. आगे क्या कहता है,
ये जो एक्ट है 1955 का, जिसे हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कह रहे हैं, शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल हिंदूज, ये सभी हिंदूज पर एप्लीकेबल है, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में समझा था। कोई भी पर्सन जो कि हिंदू है बाय बर्थ, या कन्वर्टेड हिंदू है, या रिकन्वर्जन के तहत वो हिंदू बना है, वो पर्सन जो बाय रिलीजन हिंदू है, जो बाय रिलीजन बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, ये सभी पर्सन्स हिंदू के कैटेगरी में आएंगे, और इन सभी पर्सन्स के ऊपर हिंदू लॉ बराबर एप्लीकेबल होगा। तो क्या कहता है, एक्ट ऑफ 1955 शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल हिंदूज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेजिडेंस। ठीक है, वो फिलहाल के लिए कहाँ रह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं, तो ये एक हर्डल नहीं है उन पर, ये एक्ट एप्लीकेबल है। एंड रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ डोमिसाइल ऑफ अनदर कंट्री इज बैड इन लॉ। तो केवल इस बात पर कि वो इंडियन डोमिसाइल के नहीं हैं और अभी के लिए वो भारतीय परिक्षेत्र में नहीं रह रहे हैं, तो हम इनके मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ये कहीं भी लॉ में नहीं कहा गया है। एंड जजमेंट ग्रांटिंग डाइवोर्स और डिक्लेयरिंग द मैरिज नलिटी बाय फॉरेन कोर्ट शैल बी कंक्लूसिव जजमेंट बिटवीन पार्टीज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 13। लेकिन कहता है कि सपोज करो कि वो दोनों पार्टीज, दोनों स्पाउस किसी अदर फॉरेन नेशन में रह रहे थे और किसी अदर फॉरेन नेशन के किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया, उनके मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, डिक्री ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज पारित कर दिया, तो ये अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ है और ये सेक्शन 13 की तरह एक्ट करेगा। ये जो जजमेंट है, सेक्शन 13 बेसिकली डाइवोर्स के बारे में बात करता है, तो ये माना जाएगा कि उनके बीच डाइवोर्स हो चुका है और डाइवोर्स ग्रांट हो चुका है। ठीक है, भले ही जजमेंट फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया गया हो। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज को डिटेल में समझा, बेयर एक्ट को हमने लाइन बाय लाइन समझा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।